दस साल से मोदी जी के जुमलों से तंग हो गई जनता, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलाड़ कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता बहुत दुखी है कि बीजेपी में आओ और सारे अपराधों से मुक्ति पाओ। मुद्दा, दस साल से मोदी जी के जुमलों से तंग हो गई जनता और अब की बार इनकी हालात पतली है, इनकी पिंडियां कांप रही है। आप देख रहे हो पूरे हिंदुस्तान में, मंडी से ये कंगना रानौत को ले आए, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलाड़ कर रहे हैं। हाँ, ये अरुण गोयल को ले आए, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, सब आम जनता त्रस्त है। प्रदेश की, हिंदुस्तान की जनता बहुत दुखी है, इनके जमलों से परेशान हो चुकी है। विपक्ष वाले वॉशिंग मशीन वाला मुद्दा भी उठा रहे हैं। निश्चित रूप से जो बेईमान टाइप के लोग हैं, जिनका ईमान डगडगा गया, स्वाभिमान जिन्होंने लोगों ने बेच दिया, इन्होंने दुकान खोल रखी है, विपक्ष के लोगों को अपनी पार्टी में मिला रहे हैं और ऐसी वॉशिंग मशीन लेके आए हैं कि बीजेपी में आओ और सारे अपराधों से मुक्ति पाओ। तो निश्चित रूप से अब की बार राजस्थान में 25 की 25 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इंडिया लाइन सरकार बना रही है। इंडिया मोदी सरकार जा रही है, निश्चित रूप से जा रही है। ये केवल और केवल जो अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जबकि धरातल पे कुछ नहीं है। जब हम गाँव में जाते हैं, गाँव की बहन बेटे कह रही है भाई अब की बार थाने ही वोट देंगे बेटा। मनी भाई पिछली बार ना दू, पिछली बार तो ना दियो पर अब की बार थाने ही वोट देगा, 1100 को मिल रहे सिलेंडर। तो इनकी जवानी सिलेंडर का मुद्दा है निश्चित रूप से। आप गाँव में जाओ, बहन बेटी से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, जिनकी पेंशन रोक दी, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे दिया हमने तो मिल गया, एक बार दोबारा भरवाया नहीं इन्होंने, आज 1100 में भर रहा है सिलेंडर। ये धरातल की स्थिति है। अब तो उन्होंने 300 रुपए का डिस्काउंट दिया है ना भाई, आप किसके पास रहा है? इन्होंने तो ये भी कहा था किसान सम्मान निधि 12000 करेंगे, 6000 भी नहीं, 2000 भी नहीं मिल रही। आप किसके खाते में रही है, कोई बताए तो सही, इतनी पब्लिक खड़ी मेरे खाते में आई है। चुनाव के पास ये जो दाम कम कर देते हैं, इस पे आप कुछ बोलना चाहोगे? मैंने कहा ना, इनके जुमलों से परेशान हो गई है। ये कभी शहर का नाम बदलते हैं, कभी ट्रेन का नाम बदलते हैं, अब तो इनकी हद हो गई। इन्होंने जुमले का नाम ही गारंटी रख दिया, तो आम जनता समझ गई। और जो जवान लोग हैं ना, जिधर जवानी जाती, ये देश युवाओं का देश है, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। ये जवानी के लोग ही तो थे जो मोदी 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 का नारा, आज जवानी के लोगों में चमक है। यहाँ ललित भाई के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर वोट करेंगे लोग और इनको चारों खाने चित करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। इनमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों में दम है तो विकास के नाम पर वोट मांग के बता, एक भी नेता की पोस्ट बता दे जो विकास की बात करते हो, मुद्दों की बात करते हो, केवल जाति धर्म बिरादरी के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं। यहाँ हिंदुस्तान की जनता इनको समझ चुकी है, विकास के नाम पर और ये धर्म के नाम पर वोट ना कर भावनाओं में आप, क्योंकि हिंदुस्तान सेंटीमेंटल देश है। मैं युवा साथियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप भावनाओं में ना आकर विकास के आधार पर, मुद्दों के आधार पर वोट करें, ताकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चारों खाने चित कर सकें। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।